गुजरात टाइटंस और सुरेश रैना को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आई है जिससे फैंस का दिल टूटा है। वीडियो को अंत तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही लेटेस्ट और ट्रस्टेड क्रिकेट अपडेट्स के लिए। आईपीएल 2022 में गुजरात टाइटंस ने जेसन रॉय को 2 करोड़ रुपए में खरीदा था, जिनकी रिप्लेसमेंट को लेकर सुरेश रैना की बातें ट्रेंड कर रही थी ट्विटर पर। फैंस यही चाह रहे थे कि अब हमें सुरेश रैना 2022 के आईपीएल में दिखेंगे, अब वो गुजरात टाइटंस की टीम ज्वाइन करेंगे। आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन में सुरेश रैना को ना ही उनकी पिछली फ्रेंचाइजी ने रिटेन किया था और ना ही उन्हें खरीदा था ऑक्शन में। जेसन रॉय ने कुछ दिन बाद ही अनाउंस किया कि वो अब 2022 में आईपीएल का हिस्सा नहीं रहेंगे। इसके बाद फैंस ने ट्विटर पर पूरा ट्रेंड चला दिया कि सुरेश रैना को आईपीएल में लेना चाहिए। लेकिन आज गुजरात टाइटंस की तरफ से एक बड़ा बयान आया है जिसे सुनकर सुरेश रैना के फैंस को बहुत बड़ा झटका लगा है। जब गुजरात टाइटंस की टीम से बात की गई क्या सुरेश रैना टीम में आने वाले हैं, तब गुजरात टाइटंस की टीम ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने ये कहा है कि हम सुरेश रैना को कंसीडर भी नहीं कर रहे हैं, मतलब हम ये सोच भी नहीं रहे हैं कि वो जेसन रॉय के रिप्लेसमेंट में आएंगे। इसे सुरेश रैना के फैंस का दिल टूटा है क्योंकि एक आखिरी उम्मीद दिख रही थी कि शायद सुरेश रैना आ जाएंगे वापस, शायद हमें देखने ही मिलेगा विंटेज सुरेश रैना। पर गुजरात टाइटंस की टीम ने मना कर दिया है और गुजरात टाइटंस टीम से नहीं खेलने वाले हैं सुरेश रैना। आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताना, क्या गुजरात टाइटंस ने गलत किया या प्रैक्टिकली सही किया कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।